हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को समाप्त कर चुके थे और अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जरा इसमें ध्यान दें। सबसे फर्स्ट हमें यह जानना चाहिए कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर या सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए। वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर और सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसका अर्थ ऐसा कोई भी लिक्विड जिसकी वेपर प्रेशर कम हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, आइए हम एक ग्राफ भी बनाएंगे तो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं, हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर और इट्स सराउंडिंग प्रेशर इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जैसे आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और आप क्या जानते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लिक्विड की वेपर प्रेशर इंक्रीज करती है। ये हम कहते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है 1 atm या 760 mm ऑफ Hg, 1 atm और 760 mm ऑफ Hg। इस टेम्परेचर पे हम तीन लिक्विड लेते हैं, ए बी और सी। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम है और लिक्विड सी का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे मिनिमम है। हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा और जिस समय वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा यह लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। इसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए कहेंगे। सिमिलरली बढ़ता गया जिस समय इतने के बराबर हो जाएगा ये लिक्विड बॉयल करने लगेगा। इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सी कहेंगे। सिमिलरली इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सी कहेंगे, टीसी कहेंगे। तो आप देखिए जिस लिक्विड की वेपर प्रेशर क्या है, कम है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा तो लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, लिक्विड सी का वेपर प्रेशर सबसे कम था तो लिक्विड सी की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसका अर्थ हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स ए लिक्विड हैविंग लोअर वेपर प्रेशर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो अभी हम बात किए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और अगर किसी लिक्विड की का वेपर प्रेशर कम है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। देख रहे हैं वेपर प्रेशर, हम क्या देख रहे हैं, सी का सबसे कम है तो सी की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जरा एक मिनट ध्यान से देखें कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड। क्योंकि लिक्विड में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना वीक होगा उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, इतना ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में चला जाए। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के, जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसके वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत है? तो अब जरा ध्यान से सुने, हम बात करते हैं सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो आप फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ही जान रहे हैं, तो उसकी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्या होगी, कम होगी। और जब उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि जैसे ही हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का एडिशन कराए, जैसे ही हम क्या किए, सॉल्वेंट में सॉल्यूट का एडिशन कराए, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एलिवेशन हो गया। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका अर्थ हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट रिजल्ट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट में क्या इंक्रीज हुआ ये हमें पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसका ज़्यादा है उसमें कम वाले को घटा लेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तभी तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज निकलेगा ना भैया, हम फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में तो चेंज नहीं निकलेगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी, ये डेल्टा टी मीन्स क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज है, वी मीन्स क्या, बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ा हो, टेम्परेचर चेंज है तो दो टेम्परेचर को हम घटाएंगे, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, जिसका ज्यादा है उसमें कम वाले को घटाते हैं, तो टी एस माइनस टी नॉट, वह टी एस क्या है, वह टी एस क्या हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया।
जबकि टी नॉट क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। टी एस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जबकि टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम क्या देख रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट से हमें यह मिला, एक्सपेरिमेंट डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी बी में सेलिब्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वह मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लाते हैं के बी इंटू एम, जहां के बी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, वेयर के बी इज ए कॉन्स्टेंट, के बी इज ए कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज, विच इज नोन एज मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन और इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का दिया रहे, ये ऑलवेज सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इसका मान डिफरेंट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, या हम लिख सकते हैं के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम एम इंटू डब्ल्यू बी। यहाँ आप जान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, मोलालिटी का फॉर्मूला है, यह हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला है। तो हमारा डायरेक्ट आ गया डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, जहाँ एम हमारा क्या है, मोलालिटी है, ये के बी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन और इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ये सॉल्वेंट का दिया रहता है। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और हम लिख सकते हैं के बी इंटू एम के लिए डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम एम इंटू डब्ल्यू बी, लिख सकते हैं। अब जरा एक मिनट ध्यान दें, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा गया, एग्जाम में पूछेगा, और ऐसा जनरली कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक, कि के बी को डिफाइन कीजिए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी को डिफाइन कीजिए या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। तो देखिए, जैसे ही बोला कि के बी को डिफाइन कीजिए, तो आप ही बोलिए कॉन्स्टेंट है, अभी आप तो जान ही रहे कॉन्स्टेंट है, इसलिए क्या है, तो आप जैसे ही डिफाइन करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, तो उसके साथ जितनी भी अदर क्वांटिटियाँ होती हैं उसे हम क्या ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं, उसे आराम से एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं जिसे हमें के बी को डिफाइन करना है, तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे व्हेन एम इक्वल्स टू 1 डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या, के बी, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या, के बी। इसका अर्थ हम क्या कर रहे हैं, इसका अर्थ हम कर रहे हैं कि इट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो एग्जैक्टली आपको यही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी हमारा कॉन्स्टेंट है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, मोलल एलिवेशन और इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट कर रहे हैं। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, यही डेल्टा टी बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। अब जरा एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, बच्चे कभी कभी यहाँ गलती कर जाते हैं। देखिए भैया, ये टी और ये टी दोनों में डिफरेंस है, ये हम टी मिस टाइम लिखते हैं या ऐसे करते हैं, हम बोलते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमें न्यूमेरिकल में टेम्परेचर इन केल्विन इसके लिए पुट करना होता है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी क्या है, टी एस माइनस टी नॉट है, तो ये डेल्टा टी बी हमारा टेम्परेचर नहीं है, ये क्या है भैया, चेंज इन टेम्परेचर है, और जब चेंज इन टेम्परेचर की बात हो तो डिग्री सी और केल्विन दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब बोलेंगे अरे ये आप क्या बोल रहे हैं, डिग्री सी और केल्विन में तो 273 का डिफरेंस होता है, हम आज तक तो यही पढ़ते आए, पर आप बोल रहे हैं डिग्री सी और केल्विन सेम होगा, हाँ टेम्परेचर के केस में नहीं, चेंज इन टेम्परेचर के केस में दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे एक मिनट ध्यान से समझें, हम बोलते हैं दो टेम्परेचर लेते हैं 10 डिग्री सी और 5 डिग्री सी,
आपको कहते हैं इसके बीच का डिफरेंस बताइए, तो आप बोल सकते हैं 5 डिग्री सी भी या आप बोल सकते हैं 5 केल्विन भी, दोनों सही है। क्योंकि देखिए जब आप डिग्री सी माइनस डिग्री सी की जगह तो डिग्री सी में बोलिएगा और केल्विन माइनस केल्विन की जगह तो केल्विन में बोलिएगा, जब केल्विन की जगह तो ये क्या हो जाएगा 273 + 10 और यह भी तो हमारा हो जाएगा 273 + 5 273 + 5। तो आप क्या देख रहे हैं जब दोनों का दोनों एक बार 273 ऐड हुआ है दूसरी बार वही 273 क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कोई चेंज होगा क्या? कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर की बात हो तो चेंज इन टेम्परेचर के केस में डिग्री सी और केल्विन दोनों का दोनों क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। आइए हम अब एक दो क्वेश्चंस की छोटी छोटी क्वेश्चंस की, यहां से तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, एक दो छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान दें। फर्स्ट में हम कहते हैं फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर इफ केवी फॉर वाटर बी 0.5। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, टीएस निकालना है, केवी हमें दिया हुआ है कितना है भैया 0.52 है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया कितना है 18 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना है तो 100 ml, इट मींस क्या 100 ग्राम ही हो जाएगा। आप जान रहे हैं वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 g/ml होती है, सीधे क्या हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं डेल्टा टी भी निकालते हैं, डेल्टा टी भी क्या होता है भैया केवी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय क्या लिखेंगे mm इंटू डब्ल्यू बी। ठीक, mm भी आपको पता है क्या है भैया ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मान क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। आइए केवी का मान 0.52, डब्ल्यू ए का मान 18, ये हमारा हो गया 1000, ये हमारा हो गया 180 और ये हमारा हो गया 100, दो तीन शून्य कट गया, ये 18 कट गया। 0.52 डिग्री सी भी लिख सकते हैं या हम केल्विन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी भी हम क्या लिखते हैं टीएस माइनस टी नॉट, तो टीएस क्या हो जाएगा भैया डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट। ठीक, डेल्टा टी भी हम क्या लिया है 0.52 और अगर उसको डिग्री सी ले रहे हैं तो ये भी हमें क्या लेना होगा डिग्री सी में लेना होगा, और टी नॉट क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 °C होता है, ये क्या हो जाएगा 100.52 °C 100.52 °C। कोई दिक्कत? When 12 ग्राम ऑफ एन अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिजॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ वाटर इट बॉइल्स एट 101.04 °C इफ केवी फॉर वाटर बी 0.52 देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ
द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट आई। जरा एक मिनट ध्यान दें, क्या कहते हैं कि व्हेन 12 ग्राम ऑफ एन अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 12 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101.04 डिग्री सी हो जा रहा है, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जान रहे हैं क्या होता है भैया, 100 डिग्री सी होता है। केबी का मान हमारा दिया हुआ है 0.52 और हमें क्या निकालना है, एमएम निकालना है, तो हम आराम से यूज करते हैं डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एमएम इंटू डब्ल्यू बी, एमएम इंटू डब्ल्यू बी, ये हमारा डेल्टा टी बी। हम पहले तो डेल्टा टी बी निकाल लें, तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा भैया, टी एस माइनस टी नॉट, टी एस है 101.04 माइनस 100, इट मीन्स क्या हो गया, 1.04 डिग्री सी हो गया, हो गया। तो अब जरा आप ध्यान दें, आपको मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी, के बी का मान 0.52, डब्ल्यू ए का मान हमारा क्या है, डब्ल्यू ए का मान है 12, ये हमारा क्या है 1000 बाय डेल्टा टी बी, ये हमारा क्या है 1.04, और यह देखें डब्ल्यू बी, ये हमारा क्या है 100, ये कट जाएगा, ये हमारा कितने से 0.52, ये कट गया दो बार में, ये कट गया 6 टाइम्स में, 6 इंटू 10 क्या हो गया 60, तो मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या हो गया 60 हो गया। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्टली इसी ढंग का हमारा थर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जहां थोड़ा सा चेंज है, जिसे यहां आप देख रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नाम से ही पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, एलिवेट कर गया है, इंक्रीज कर गया है, जबकि उसके नाम में ही क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। तो आइए अब हम वहां देखते हैं, जैसे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी लिख रहे थे, वहां फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम एफ को यूज करेंगे। यहाँ जैसे हमारा इक्वेशन आ रहा था डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, वहां देखिएगा हमारा इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे और जो हमारा क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट हम यहां देख रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या देख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड किसी सबस्टांस का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में इक्वल हो जाए, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में इक्वल हो जाए, जिसे देखिए सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में इसका वेपर प्रेशर इक्वल है, तो अब क्या हो सकता है, सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में आना क्या कहलाएगा, मेल्ट करना, और ये लिक्विड जा सकता है सॉलिड में, यही क्या कहलाएगा, फ्रीज करना। तो अगर यहाँ टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट।
दोनों बिल्कुल सेम होगा। जैसे हम बात करें आइस, हम पूछते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्या बोलिएगा? 0 डिग्री से। और यहाँ हम बात करते हैं वाटर, और हम आपसे पूछें कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो भी आप क्या बोलेंगे? 0 डिग्री से। तो भी आप क्या बोलेंगे? 0 डिग्री से ही बोलना है, क्योंकि दोनों इस कंडीशन में क्या है, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे में आराम से चेंज हो सकता है। तो हम कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में इक्वल हो जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड एंड लिक्विड फेज बिकम इक्वल इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और यहां जान लें कि ए लिक्विड हैविंग लोअर वेपर प्रेशर विल हैव लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो। ए लिक्विड हैविंग, जस्ट उल्टा हो गया, ए लिक्विड हैविंग लोअर वेपर प्रेशर विल हैव लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो। मीन्स ऐसा लिक्विड जिसके लिए वेपर प्रेशर कम हो, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाए। तो आप क्या जान रहे हैं कि सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है भैया? प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। और जब उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, तो फिर उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगी? प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगी। सेम उसी ढंग की बात लिखेंगे। इसका अर्थ हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे it means addition of a non volatile solute to a solvent results depression of freezing point. That is depression of freezing point delta Tf equals to T naught minus Ts. Depression of freezing point delta Tf equals to क्या लिखेंगे? T naught minus Ts, where T naught क्या है? यह हमारा होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जबकि टी एस क्या हो जाएगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अब आप क्या जान रहे हैं, सॉल्वेंट का ज़्यादा हो गया है, सॉल्यूशन का क्या हो गया? कम हो गया है। इसे हम वाटर की ही बात करें तो प्योर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ चीनी मिला दें, कुछ नमक मिला दें, तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 से कम हो गया। मीन्स आपको क्या होगा, जब टेम्परेचर माइनस होगा ना, माइनस जब टेम्परेचर की बात करेंगे, 0 से कम, इट मीन्स क्या? निगेटिव चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो जब टेम्परेचर निगेटिव होगा तो वह क्या होगा? फ्रीज करेगा। यही रीजन है ठंडे प्रदेश वगैरह में क्या होता है कि जब रोड पे बर्फबारी होती है पूरी, तो क्या होता है? उसमें नमक का छिड़काव किया जाता है। जैसे ही नमक का छिड़काव किया गया, निश्चित अब उस पर सॉल्यूट को डाल दिया गया, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जो हमारा वाटर वहाँ 0 डिग्री सी पे क्या था? फ्रीज हुआ था। अब हम क्या किए, वहाँ नमक डाल के उसके टेम्परेचरिंग पॉइंट को ही घटा दिए। अब वो -5 -10 डिग्री सी पे क्या होगा? मान लेते हैं कि उस केस में वो सॉलिड में रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या है? -2 है -3 है, तो आराम से वो पानी के फॉर्म में आ जाएगा और वो डिस्टेंस से
फ्लो कर जाए, रूट क्लियर हो जाए। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, टी नॉट माइनस टी एस, वह टी नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जबकि टी एस क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप इससे पहले देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या देख रहे थे कि हम देख रहे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। उसी ढंग से अगर हम बात करें तो हम पाते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, जहां के एफ एक कॉन्स्टेंट है या क्या है इज ए कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी सॉल्वेंट का ही दिया रहेगा, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं जैसे वहां आप देखे थे कि के भी पूछ दिया, उसी ढंग से आपको डिफाइन करने के लिए के एफ भी कर सकता है, तो सेम आप उसी ढंग से डिफाइन कर देंगे। क्या लिखेंगे कि व्हेन एम इक्वल्स टू वन डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या के एफ, इट मींस हम क्या कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन केस ऑफ वन मोलल सॉल्यूशन, इन केस ऑफ वन मोलल सॉल्यूशन इज नोन एज मोलल डिप्रेशन और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, या क्या लिख सकते हैं के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम एम इंटू डब्ल्यू बी, एम एम इंटू डब्ल्यू। जिसे अब इससे पहले वाले में हम लोग एक दो क्वेश्चन देखे, यहाँ भी सिमिलरली उसी ढंग की बातें होगी, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ था, यहाँ क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि देखिए हम तीन क्वेश्चन बता रहे हैं, जरा एक में ध्यान से देखें। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml of water, KF for water 1.86। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TS बताना है, T नॉट हम जान रहे हैं क्या है भैया 0 डिग्री सी है, KF का मान क्या है 1.86 है, WA मास ऑफ सॉल्यूट पता है कितना है 18 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉलिड ग्लूकोज है तब तो 180 ही होगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट ये हमारा क्या है 100 ग्राम है। तो अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम लगाएं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम एम इंटू डब्ल्यू बी, एम एम इंटू डब्ल्यू बी, तो डेल्टा टी एफ KF 1.86 WA 18 गुने 1000 बाय ठीक मोलर मास 180 गुने 100, ये दो ये कट गया, ये 18 कैंसिल हो गया, तो 1.86 डिग्री सी या 1.86 केल्विन भी कर सकते हैं। डेल्टा टी एफ आप क्या लिखते हैं टी नॉट माइनस टी एस, तो टी एस हमारा क्या हो जाएगा टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, टी नॉट आपका 0 माइनस 1.86 क्या हो गया
-1.86 डिग्री सी, -1.86 डिग्री सी, ओके। How many moles of a non-volatile, non-electrolyte solute should be dissolved? Solute should be dissolved. In 2 liter of water, so that it freezes at -3.72 degrees C. If care for water 1.86. तो क्या देख रहे हैं? यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए नन वोलाटाइल नन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट शुड बी डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर सो दैट इट फ्रीज एट -3.72 डिग्री सी। कितना मोल डालना है, कितने में भैया? तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आपको 2000 ml गुने क्या हो जाएगा 1 ग्राम पर ml, इतनी सीसी पे क्या हो जाएगा 2000 ग्राम ही हो जाएगा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -3.72 डिग्री सी हो जाना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 0 डिग्री सी हो गया। तो डेल्टा टी एफ आपका क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी एस, ये हो गया 0 माइनस 3.72, इतनी क्या 3.72 डिग्री सी। ये हमारा डेल्टा टी एफ निकल गया। तो आप क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए बाय एम एम इंटू क्या 1000 इंटू डब्ल्यू बी कहते हैं ये टर्म, डब्ल्यू ए बाय एम एम, यही तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा ना, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 बाय क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा। तो आइए नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी बाय के एफ इंटू 1000, के एफ इंटू 1000। डेल्टा टी एफ का मान हमारा आ चुका है कितना 3.72, डब्ल्यू ए क्या है 2000 है। ये देखते हैं के एफ हमारा क्या है 1.86 है और ये हमारा क्या है 1000 ही है। ये कट जाएगा, ये कट गया 2 से, इट मींस क्या 4 मोल्स। हमें कितना मोल डालना चाहिए, 4 मोल डालना चाहिए ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट का क्या पहुंच जाए -3.72 डिग्री सी। एक क्वेश्चन और बता दें, अब इसमें हम आपको कहते हैं How much ice will separate out on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol, in 200 gram of water, up to -9.3 degree C. देखिए क्या कहा जा रहा है, तो कहता है हाउ मच आइस
हाउ मच आइस विल सेपरेट ऑन कूलिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर अप टू -9.3 डिग्री सी केएफ फॉर वाटर 1.86 केएफ फॉर वाटर 1.86 देखिए क्या करना है हाउ मच आइस विल सेपरेट फ्रॉम कूलिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर अप टू -9.3 डिग्री सी केएफ फॉर वाटर 1.86 दिया गया है तो आप देखें जब आप इसको ठंडा करेंगे तो आइस जो बनेगा वो किससे बनेगा पानी से बनेगा ना कि इथिलीन ग्लाइकोल से बनेगा तो वाटर के अमाउंट में कमी इथिलीन ग्लाइकोल का अमाउंट तो ऑलवेज वही रह जाएगा तो आप क्या कीजिए ठीक कि देखिए डब्ल्यू ए आपको 50 ग्राम है ये तो सॉल्यूशन में रहेगा ही मोलर मास इसका क्या 62 हो जाएगा आप निकाल लेंगे ठीक डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा 9.3 डिग्री सी हो गया ठीक के एफ का मान क्या है 1.86 है तो आप क्या कीजिए डब्ल्यू बी निकाल लीजिए कि इस पॉइंट पे कितना वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा मीन्स क्या तो हम कहते हैं मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट -9.3 डिग्री सी को हम क्या कहते हैं इसे मानते हैं डब्ल्यू बी और ये हमारा है एक्स करते हैं तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय mm इंटू डब्ल्यू बी ये हो गया 9.3 ये हो गया 1.86 इंटू डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा 50 गुने 1000 बटे में क्या हो जाएगा भैया 62 इंटू एक्स 1.86 से ये कट गया पांच बार में इससे कटा दीजिए 200 बार में 200 गुने 50 इसका हो गया 1000 ठीक तो x बराबर क्या हो गया 1000 बटे में 62 इसका 500 बटे में 31 500 बटे में क्या हो गया 31 आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो आएगा वो ऑलवेज आपका 200 से कम आ रहा है ये वैल्यू आपका 500 बटे में 31 ये वैल्यू क्या रहा है 200 से कम आ रहा है जबकि ठीक मास ऑफ वाटर ओरिजिनली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितना था 200 ग्राम था तो वाटर हम लिए थे 200 ग्राम लेकिन इस पॉइंट पे जो वाटर बचा है वो 200 ग्राम से क्या है कम ही है जो वाटर में कमी हुई वाटर के मास में वही वाटर क्या हो गया आइस में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या लिखेंगे मास ऑफ आइस फॉर्म्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200 माइनस एक्स का तो ये आपका तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी समाप्त हो गया आप होमवर्क बना लेंगे अपना एग्जाम्पल जान रहे ज्यादा नहीं 11 तक तो एग्जाम्पल है ही और आप कहां तक पहुंच चुके थे 6 तक पहुंच गए थे ना 7 8 9 10 7 8 9 10 ठीक इन टेक्स्ट में तो 12 तक क्वेश्चन है या आप 9 तक पहुंच गए हैं तो क्या हो जाएगा 10 और 11 एक्सरसाइज में याद कीजिएगा एक्सरसाइज में आप कहां तक पहुंचे थे तो 14 तक हम लोग गए थे तो 15 से 21 फिर 22 नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन है 23 से 30 जो है फिर 23 24 25 वो तो आपके 11th के केमिकल बॉन्डिंग
वगैरह से जुड़ा हुआ टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक एलेवन से जुड़ा हुआ कुछ पोर्शन से उसे हम बता देंगे। इसके बाद आप एक्सरसाइज में 23 से 30 भी, इसके आगे का तो हो ही गया है, फिर 31, 32, 33 अब नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पे है, 34, 35, 36, 37 को छोड़ दीजिए, 38, 39 ये सब हो चुका है, 40 और 41, फिर ये दो क्या है, एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का। टोटल 5 क्वेश्चन एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी मीन वेंटॉफ फैक्टर पे है, जिसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे हैं। इसके आगे एबनॉर्मल होगा, सब फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन वहाँ एक एडिशनल टर्म क्या होगा, वेंटॉफ फैक्टर आई मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग रिवीजन में करेंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी एक पोर्शन इसमें और हमारा बचा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी चर्चा कर करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर, केमिकल काइनेटिक्स की ओर मंडे ट्यूजडे से बढ़ जाएंगे और अब तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्या हुआ था कि बहुत पहले भी शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर से हम इसे शुरू करके चले, बीच में देखे कि हमको बिरनी काट लिया, परेशान हो गए, तो बीच में एक सप्ताह तक क्लास नहीं जा पाई, इस कारण कुछ डिले जरूर हुआ। डोंट वरी, अब हम लोग आगे तेजी से बढ़ते जाएंगे और प्रॉपर टाइम पे आपका समाप्त हो जाएगा।